के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अपने तल्ख तेवरों की वजह से सुर्खियों में है। विपक्ष को करारा जवाब देना हो या फिर अपराधियों के खिलाफ कड़क एक्शन लेना हो, हेमंत जरा सा भी पीछे नहीं रहते। मुद्दा कोई भी हो, हेमंत मुखर होकर ऐसा बोलते हैं कि विपक्ष भी उनका मुंह देखने लगते हैं। हमला तो ऐसा करते हैं कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसकी वजह से वो चर्चा में है। भारत को स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की जरूरत है, मदरसों की नहीं। ये बयान है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। उन्होंने मदरसों को बंद करने की अपनी मुहिम को एक बार फिर हवा दी है। सीएम हेमंत ने कहा कि उनकी सरकार 600 मदरसों को पहले ही बंद कर चुकी है और बाकी बचे मदरसों पर भी जल्द ही ताला ठोक दिया जाएगा। दरअसल कुछ ही महीनों बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कर्नाटक में डेरा डालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को शिक्षा के लिए मदरसे नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत है। इस दिशा में उनकी सरकार ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं। असम में सरकार 600 मदरसों को पहले ही बंद कर चुकी है और बाकी मदरसों को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। इतना नहीं, सीएम हेमंत ने आगे कहा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दिखाना चाहते हैं कि भारत का इतिहास बाबर, औरंगजेब और शाहजहां से है, लेकिन भारत का इतिहास मुस्लिम आक्रांताओं से नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह से जाना जाता है। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा अक्सर मदरसों की संख्या कम करने या वहां दी जा रही शिक्षा की समीक्षा करने का इरादा जाहिर करते रहे। फिलहाल असम में 3000 पंजीकृत और गैर पंजीकृत मदरसे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि असम सरकार इन मदरसों को अगले कुछ महीनों में बंद करा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।